एवरीबडी, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे काम करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा काम होने वाले हैं। और मेरे आसपास ये गत्ते देख के आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ होने वाली है कुछ पैकिंग, कुछ खास पैकिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम घर ढूंढ रहे हैं कोई अच्छे से व्यू वाला, और वो हमें मिल गया है, थैंक गॉड। और जयपुर सिटी में मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, और बहुत ही अच्छा घर मिला, बहुत अच्छा व्यू है वहाँ का, वो मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी। और हमें करनी है पैकिंग, सब कुछ हमें खुद ही करना है, क्योंकि पिछली बार जब हमने पैकिंग कराई थी ना, तो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, वो किसी को भी किसी भी चीज़ में पैक कर देते हैं, तो हमको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम खुद ही कर रहे हैं पैकिंग, क्योंकि लोकल ही है सब। इसके लिए मेरी कार्डबोर्ड निकाल के रखी है, इसलिए मेरी बालकनी की जगह तो बहुत घेरी, लेकिन ये काम भी बहुत आ रहे हैं, तो इसीलिए जो है जिसमें फटाफट से पैकिंग शुरू करते हैं, जो हमारे बस में है वो हम कर लेते हैं। उसने फ्रिज खोल लिया फिर से। मैंने बॉक्सेस रेडी कर लिए हैं और इनके अंदर मैंने लगाया है अखबार। अखबार इसलिए लगाया है क्योंकि इसके अंदर रखे जाएंगे कपड़े जो कि बेड में रहते हैं। बेड में मैं नॉर्मल डे टू डे पहनने वाले कपड़े नहीं रखती हूँ, क्योंकि निकालने में फिर मुश्किल होती है। यहाँ पे वो कपड़े रखे हैं जो कि आर्या के होने से पहले के हैं, या फिर जो स्पेशल ओकेजन पहने जाते हैं। और यहाँ पर मैं बीच बीच में दूसरी ड्रेसेस भी ट्राई कर रही थी। मुझे याद है ये ड्रेस मैंने शादी के टाइम पे लिया था, और तभी मैंने पहना था, उसके बाद में मौका मिला ही नहीं। और ये है मेरा फेवरेट बैग, आ रहा है कि होने के बाद में मैंने इसको कभी भी यूज नहीं किया, मैंने सोचा कि अब कभी स्पेशल ओकेजन आएगा तो मैं इसे जरूर निकालूंगी। सामान को बाहर निकालते हुए मेरी नज़र गई इन कप्स पर, जो कि मुझे मिले थे मेरी वेडिंग पे। इनको गिफ्ट किया है मेरी सिस्टर ने, जब हम कुफरी घूमने गए थे शादी के बाद में, तब की फ़ोटो है ये। और देखिए, तब की बिल्कुल यादें ताज़ा हो गई इस कप को देखने के बाद में। और इसी तरह का एक और कप है ये, देखिए ये भी उसी टाइम का है। बेड की पैकिंग करते करते सबसे बड़ा चैलेंज है इस तरह के बर्तनों को बिल्कुल आराम से रखना कपड़ों के बीच में, क्योंकि इस तरह के मेरे पास बहुत सारे बर्तन हैं, और अगर वो अच्छे से नहीं रखे तो वो टूट भी सकते हैं। आर्या जब बिल्कुल छोटी सी थी तब उसको ये ड्रेस मिली थी, और कपड़े निकालते हुए ये भी मेरे सामने आ गई, तो अभी भी उसको फिट आ रही, तो मैंने सोचा कि अभी मैं उसको फिर से पहनाऊंगी, क्योंकि इसके साथ में बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, और इस तरह की सस्पेंडर वाली ड्रेस मुझे पसंद भी बहुत है। तो इस आर्ट को देख के आप समझ ही गए होंगे कि किसने बनाया है, और इसकी पूरी जिम्मेदारी ली थी मेरे हस्बैंड ने। उन्होंने कहा कि जाने से पहले मैं सारे गेट्स अच्छे से साफ करूंगा, ताकि गेट्स एटलीस्ट साफ दिख सके। तो अभी सुबह हो चुकी है, रात को तो इतना काम किया कि बस हम एकदम से नींद आ गई, क्योंकि थोड़ा 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 करते करते जब आप एक एक चीज को पैक करते हो ना, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मैं आपको सही बात बताऊं कि थोड़े टाइम में तो इरिटेशन होने लग जाती है कि अरे एक एक सामान कैसे पैक करें, बट करना है तो करना ही है। और इसीलिए जो है मेरे हस्बैंड थोड़ी बहुत तैयारी की, देखिए वो जो है रैक उन्होंने बर्तनों का उतार दिया, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो था, लेकिन उन्होंने अकेले कर लिया, और सारे बर्तन जो है पीछे किचन में रखे हुए हैं, उनको मुझे पैक करना है। और अभी जो है मैंने सोचा कि जो है आर्य के प्रिंसिपल से बात कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने एक ग्रुप फोटो जो है क्लास फोटो जैसे होती थी ना हमारे स्कूल में, वो क्लिक की थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि वो ले लेते हैं। सडनली उनका जो है रिप्लाई भी आ गया, तो जो है वो मैं लेने जा रही हूँ। हालांकि एसी जो है खोलने वाले आने वाले हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जो है मैं रुकूँ या जाऊँ, तो मैं हस्बैंड से एक बार पूछ लेती हूँ जो कि बाहर गए हुए हैं। अगर एसी वाला अभी आ रहा होगा तो मैं रुक जाऊंगी, अगर नहीं होगा तो मैं चली जाऊंगी, क्योंकि वो जो है बहुत कम टाइम के लिए वहां पे है प्रिंसिपल, तो मुझे जल्दी जाके क्लास फोटो लेके आनी है, क्योंकि वो बहुत ही प्रेशियस मोमेंट है आर्या की लाइफ का, उसकी पहली क्लास फोटो। और आपको बताया कि पहली चीज कितनी ज्यादा खास होती है, तो अभी मैं आर्या को नहला देती हूँ, जिसका बिल्कुल भी मन नहीं है।
तो हम रेडी होके जा रहे हैं आर्या के स्कूल, और आर्या भी बिल्कुल रेडी है, आप देख लीजिए। और इस रूट पे जाना मुझे थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक लग रहा है, क्योंकि पहले मैं आर्या को स्कूल छोड़ के आती थी और अब ऑलमोस्ट आज लास्ट टाइम है। बट किसी भी चीज़ का लास्ट टाइम होता है तो किसी चीज़ की बिगनिंग भी होती है, तो यही सोच के जो है हम अभी जा रहे हैं और दिखाते हैं आपको आर्या की क्लास फोटो कैसी है। तो स्कूल से तो हम वापस आ गए, वहाँ पे आर्या ने बहुत इंजॉय किया, वो अपनी प्रिंसिपल मैम से मिली, टीचर्स से मिली, फ्रेंड्स से मिली, और सबसे मिल के उसको बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थी वो वहाँ पर। तो अभी मुझे बनाना है खाना, मैं एक्स्ट्रा खाना बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कि बहुत जल्दी कुकिंग का सेटअप फिर से नहीं लगता है तो एटलीस्ट हमारे पास कुछ खाने के लिए होगा। तो मैं बना रही हूँ पुलाव, साथ में थोड़ी सी सब्जी और रोटियाँ। तो ये है आर्या की क्लास ग्रुप फोटो। आटा मैंने पहले ही गूंद लिया है, ये सब मैं पैक करके ले जाऊंगी। तो जैसे ही ये बन जाएगा हम फटाफट से बाकी पैकिंग करेंगे, ताकि जो है ट्रक में हम फटाफट से सामान जो है लोड करवा सके, और जाने में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आधा घंटा ही लगेगा, तो हम वहाँ पे फटाफट से पहुँच जाएंगे। और उम्मीद है कि हम जो है 1 से 2 दिन में सारा जो सामान है वो भी सेट कर लेंगे। लेकिन जो है मैंने सोचा सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती, क्योंकि बाद में आराम से देखेंगे कि कैसे जो है हमने सब कुछ पैक किया था। क्योंकि आज भी जब मैं पहली और इस तरह की वीडियोस देखती हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं हर चीज़ को रिकॉर्ड करती हूँ, फिर वो चाहे मैं उसको पोस्ट करूँ या ना करूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि घर कैसा दिख रहा है। तो यहाँ देखिए लगभग चीज़ें पैक हो चुकी है, ये जो थोड़ा बहुत सामान है या तो ये जो नहीं जाना है या वो सेकंड चक्कर में जाएगा वो है। ये है हमारा हॉल, और कमरे में देखिए ये अलमीरा है, डिसमेंटल आदि हो चुकी है, और ये भी मेरे हस्बैंड ने की है टोटली, और बहुत मुश्किल था लेकिन फिर भी उन्होंने कर लिया। और ये हैं उसके बीच के दो गेट हैं, जो क्योंकि ये स्लाइडिंग है इसमें दो गेट हैं, और उसके बाद में अभी भी सामान काफ़ी कुछ पड़ा है। और अभी मेरे हस्बैंड गए हैं, आ रहे अभी बीच में घूम रही है, मेरे हस्बैंड गए हुए हैं वहीं पर, उनके साथ में ही वो सामान को अनलोड करवा के आएंगे। ये है फर्स्ट बालकनी, फ्रिज वगैरह भी गया ही नहीं है, किचन भी ऑलमोस्ट हो गई है। अभी तो हम यहाँ पे खाना बनाएंगे, क्योंकि रात को अपेरेंटली हम यहीं रुकने वाले हैं, तो जो सामान जैसा था मैं उसको फाइनल क्लीन अप करके तभी रखूंगी। सब कुछ ऐसा ही पड़ा है, कुछ भी सही नहीं है। और यहाँ पे है ये जो कमरा, बेड भी डिसमेंटल हो चुका है, और ये भी चला जाएगा शायद, अभी जगह होगी तो, नहीं तो हम बाहर रख देंगे। और इस गद्दे पे जो है आज हम सोएंगे, जैसे हम इससे पहले वाले घर में सोए थे, रात को थोड़ी देर के लिए सोए थे, फिर तो हम निकल गए थे जयपुर के लिए। और टीवी को हमने यहीं रख लिया है, क्योंकि शाम को जो है आर्या अगर अब टीवी देखना चाहेगी तो देख लेगी। तो यहाँ पे बन रहा है पुलाव, मैंने इसमें जो है प्याज अच्छे से डाल दिए हैं, वो गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। और ये है वो चावल जो मैंने भिगो के रखे हैं, ज़्यादा सारे बना लिए थे, ताकि अगर थोड़ी सी रात को भी थोड़ी सी भूख लगे रात को भी तो अब हम उसे खा सकते हैं। और कोई निकाल ले, इसे उठा के देखो, रुको रुको बीच में चिपका हुआ ना। ये हो जाए तो आधा काम हो जाएगा, बेड का हो गया। सबसे बड़ा मुद्दा ये, ध्यान से ध्यान से देखो, उधर चिपका हुआ है साइड नीचे देखो ना, तो यार निकाल लो निकाल लो।
दूसरी बालकनी की सफाई करते हुए मुझे किसी छोटे से पक्षी की आवाज आ रही थी। मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मुझे यहाँ पे ये मिलेगा, तो क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं था जो इसका ध्यान रख सके, कोई और कबूतर नहीं था, तो दो बेबी कबूतर थे उनके पास पे मैंने इसको रख दिया। और देखिए यहाँ पे कितनी गंदगी है, क्योंकि यहाँ पे पूरे तरीके से कबूतर रहते हैं, यहाँ कबाड़ रहता है, हम इसका कभी ध्यान नहीं रख पाते हैं। और ये है हमारा घर जहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ सफाई। पैकिंग हो गई है और फिर भी जो है कुछ ना कुछ सामान छूट गया था जिसको हम अपने साथ में लेके आए हैं। गाड़ी एकदम फुल हो गई है और साथ में आर्य भी देखिए जो है यहाँ पे सो गई, क्योंकि ये सुबह ही उठ गई थी हमारे साथ में ही। हम सुबह 8 बजे से लगे हुए हैं और अभी जो है शायद 5-5:30 बजने वाले हैं। तो अभी हम पॉल्यूशन का बनवा रहे हैं, क्योंकि जयपुर में जो है बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, तो मुझे लगा कि पहले पॉल्यूशन का बनवा लेते हैं फिर वहाँ चलते हैं, क्योंकि अगर कहीं भी गाड़ी का यूज़ होगा और तो बीच में थोड़ा सा डर बना रहता है ना, तो इसीलिए हम पॉल्यूशन का बनवा रहे हैं। सारा सामान ले आए हैं, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं 2-व्हीलर पे, क्योंकि हमारे पास 2 व्हीकल हैं और मैं कार लेके आई हूँ। कार में आर्या जब चढ़ी थी तब तो बहुत ज़्यादा जो है एक्टिव थी, कभी फ़ोन ले रही थी, कभी म्यूजिक सिस्टम चला रही थी, लेकिन अब जो है उसको नींद आ गई, वो सुबह से जो है परेशान हो रही थी सोने के लिए। खैर अब जाएंगे, बाकी सब चीज़ें करेंगे, तो धीरे 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 जो है चीज़ें फिर से बैक टू नॉर्मल आ जाएंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। शिफ्टिंग करते हुए हमने सोचा कि केक भी ले ही लेते हैं, क्योंकि हमारी एनिवर्सरी है नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस थे और मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा केक लूँ। मैंने बहुत सोचा, क्योंकि इस तरह की चीजें जब डिसाइड करते हैं ना तो वो समझ नहीं आता कौन सा लिया जाए, तो मैंने बस एक ले ही लिया केक। वो कौन सा केक लिया वो मैं आपको दिखाऊंगी। केक लेने के बाद में हम थोड़ा सा आगे आ गए और वहां से अंदर आते ही हमें यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कोठियां देखने को मिली और हम देखना चाह रहे थे कि ये किस तरह का एरिया है जहां हम रहने वाले हैं। और मैंने नोटिस किया कि यहाँ पर सिर्फ बड़े घर ही हैं, बहुत कम बिल्डिंग्स हैं, मतलब नाम की बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे घर को तोड़ के एक मल्टी बना दी जाती है, उस तरह की तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस थे, बट अदरवाइज यहाँ पे बड़ी कोठियां ही हैं, शायद इसीलिए यहाँ पे इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं। तो अभी हम आ गए हैं घर और बेसमेंट में हम ढूंढ रहे थे पार्किंग, क्योंकि हमें पहले पता नहीं था कि हमारी पार्किंग कहाँ है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से हमने पार्किंग ढूंढ ली और अपनी गाड़ी भी लगा ली। तो इतने दिनों के स्ट्रगल के बाद में हम आ गए हैं घर एंड दिस इज द व्यू। तो अभी क्योंकि इस घर में थोड़ा सा पेंट होना बाकी है, तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि मैं जल्दी से किचन का जो है मॉड्यूलर में उसको सेट कर दूं और साथ पे कपड़े जो है अलमीरा में जाने वो सेट कर देती हूँ। ये दोनों हो गए तो मान लीजिए 50-60% काम हो गया, बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे होती रहेगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि अगर कपड़े नहीं मिलेंगे, बर्तन नहीं मिलेंगे, कुकिंग नहीं हो सकेगी, तो कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो इन दोनों को करने के बाद में ही जो है हम कुछ नया कर सकते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगी यहाँ पे, थोड़ी सी देर में बैठी हूँ, व्यू को एंजॉय कर रही हूँ। तो अभी हो गया है नेक्स्ट डे, ये है यात्री एजेंसी और अभी हम कहाँ जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे, तो हम जा रहे हैं उसी को सेलिब्रेट करने। कितनी खुशी है, एक्सप्रेशन उसके बदलते जा रहे हैं, फिलहाल वो थोड़ा सा गुस्सा है लेकिन ठीक हो जाएगी। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर और हम कहाँ जा रहे हैं, वहाँ क्या होने वाले, वो सब भी आपको दिखाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इतना तैयार होकर आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ, तो हम जा रहे हैं अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। जिस होटल में हम गए थे वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी, मे बी वीकेंड की वजह से, तो यहाँ पे देखिए सारे टेबल्स बुक थे और हम वेट कर रहे थे अपनी बारी के लिए, क्योंकि टेबल खाली होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था। अगर ऐसा हमें पहले से पता होता तो हम यहाँ पे टेबल बुक करा लेते या कहीं और चले जाते, और हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट थे
मुझे बहुत भूख लग रही थी, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें बिना वेट किए ही जो है जल्दी से टेबल मिल गया। हम ऊपर आ गए थे, इसके 3 से 4 फ्लोर है तो हम शायद सेकंड फ्लोर पे थे, तो यहाँ पे टेबल मौजूद था और ये बहुत ही अलग सा लाउंज था, वीआईपी लाउंज, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो यहाँ पे हम बैठे हुए थे और कर रहे थे अपने ऑर्डर का वेट। तो क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट आए थे, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और मेरे पीछे शायद मेरा ऑर्डर आ गया था, और ये था हमारा ऑर्डर जिसको लेके भैया फाइनली आ ही गए। पहले मुझे लगा है कि वेट टाइम ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, ऑर्डर आ ही गया फाइनली। और हमने जो है मंगवाई थी पनीर की सब्जी और एक दाल मखनी और साथ में तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी और ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में तो हम नॉर्मल रोटी हमेशा खा ही लेते हैं, लेकिन ये कॉम्बिनेशन जो है ना स्पेशल ओकेजन की पहचान होता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने मंगवाई उनकी फेवरेट चाय, जिसके ऊपर देखिए भुना हुआ जीरा कितना अच्छा लग रहा है। इसकी प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी थी, ये पीने में भी उतनी ही अच्छी थी। तो ये था मेरे स्पेशल डे का आउटफिट। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा रौनक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि हम है सेकेंड फ्लोर पे, तो पीछे से ना पूरा व्यू दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो ये था मेरा आउटफिट, क्योंकि साड़ी थी, मुझे ये कलर बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसी कलर में साड़ी ली, और खासकर हार्ट की शेप की वजह से ये बहुत यूनिक लग रहा था। तो अभी हम जा रहे हैं वापस, वापस जाते हुए भी मैं रास्ता पता नहीं था, तो इसीलिए हम मैप की मदद से वहां पहुंचे। जैसे हम आए थे वैसे ही वापस जा रहे हैं, लेकिन दोनों बार अलग रास्ता है, लेकिन मैप की जो है ना पूरी पूरी हमने हेल्प ली यहाँ पे। एक बज रहे हैं और घर की हालत देख देख के तो मुझे और भी ज़्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी अभी सेट नहीं हुआ है, क्योंकि अभी बेड को असेंबल करना है, अलमीरा को असेंबल करना है, दोनों ही स्टोरेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मैंने सिर्फ अपनी अलमीरा सेट की है, वो भी आप कह सकते हैं कि एक चौथाई भी बाकी है, कुछ एक चीज़ें रखनी है, उसके बाद में वो सेट हो जाएगी। फिर कल मैं करूँगी अपने हस्बैंड की अलमारी सेट इस रूम में, और आर्य के कपड़े, तो ये दोनों भी बहुत बड़ा मेजर टास्क है। इसके साथ में ही जो है बहुत सारी चीज़ें और भी होनी है, कुछ चीज़ें आज हो गई, जैसे एसी सेट हो गया, सफाई हो गई, और उसके बाद में जो है आज मैं कल जो है पेंट होगा, और क्योंकि हमने बहुत जल्दी जल्दी में शिफ्ट किया तो पेंट हो नहीं पाया था, तो अब पेंट होगा। और क्या काम है मुझे बाकी याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरे से खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है। अब हमारे को रात को दूध देने वाले हैं, ताकि एटलीस्ट वो जो है सो जाए। अगर वो सो जाती है ना तो भी हमें थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है, क्योंकि उसके सोने तक तो मैं ऐसे बीमार महसूस करती हूँ ना, क्योंकि वो एक सेकेंड के लिए भी मेरे पीछा नहीं छोड़ती, एक सेकेंड के लिए भी, या तो मेरे पास रहेगी या मेरे हस्बैंड के पास, दोनों में से किसी एक के पास रहती है। तो अभी दूध बना रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा बहुत मैं भी पानी पीऊंगी, मुझे प्यास लग रही है, और मेकअप क्लीन करने के बाद में मैं जा रही हूँ सोने के लिए।